बालाघाट जिले के ओपन केपो में रखी लाखों क्विंटल की धान बारिश में सड़ रही है। भंडारित धान का उठाव नौंदारा 90 दिन के अंदर मिलर्स को देना होता है, लेकिन लगभग एक साल बाद भी केपो में भंडारित धान का उठाव समय पर नहीं हो रहा है। इससे शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान होना तय है। समर्थन मूल्य पर किसानों से अच्छी धान खरीद कर समय अवधि में कस्टम मिलिंग के लिए मिलर्स को देना होता है, लेकिन यहां ऐसा नहीं किया जा रहा है, जिससे नान के अधिकारियों पर अब सवाल उठ रहे हैं। बालाघाट जिला मारफेट के अंतर्गत आता है। यह मारफेट के माध्यम से धान खरीदी जाती है और कस्टम मिलिंग के लिए अनुबंध भी किया जाता है। मिलिंग किया हुआ चावल नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा लिया जाता है, लेकिन नागरिक आपूर्ति निगम बालाघाट के जिला प्रबंधक अमित गोड़ क्वालिटी निरीक्षक के द्वारा पास किए गए चावलों के लाटों को दुर्भावनावश फेल कर दिया जाता है। फिर मिलर्स इन चावलों के लॉट को बदलने में लग जाते हैं, जिससे धान का उठाव नहीं हो पा रहा है। लांजी और वारा सिवनी में चावल से गोदाम भरे रहने के बाद भी नान के प्रबंधक अमित गौड़ द्वारा सिवनी जिले से बालाघाट चावल मंगवाया गया, जो समझ से परे है। चूंकि जिला सिवनी नान का जिला है, इसीलिए वहां से चावल मंगवा कर वहां भंडारित नान की धान का उठाव करवाया जा रहा है और बालाघाट में मारफेट का धान सड़ाया जा रहा है। बालाघाट जिले में अच्छा चावल देने के बाद भी मिलर्स को तरह तरह से परेशान किया जाता है और सिवनी का 30-35% चावल बालाघाट जिले में धड़ल्ले से खपाया जाता है, जो गंभीर भी है। अभी तक नान के डीएम अमित गौड़ द्वारा रोक कर रखा गया है। बालाघाट राइस मिल एसोसिएशन के द्वारा इसकी शिकायत मंत्री से लेकर सरकार के बड़े बड़े अधिकारियों तक की जा चुकी है, किंतु अब तक कोई सुनवाई होती नजर नहीं आ रही है। दो दो मंत्रियों वाले इस जिले के लिए यह शर्म की बात है। ग्रामीण भारत टीवी के लिए बालाघाट से निकेश चंदेले की रिपोर्ट। देखिए, पिछले वर्ष से गत वर्ष में जो यहाँ बालाघाट में चावल मानक स्तर का नहीं पाया गया था, उसके बाद में जिले से ही बालाघाट जिले से ही आवाज़ उठी थी कि आपके धान की गुणवत्ता में खराबी है, इस कारण चावल मानक स्तर का तैयार नहीं हो पाता। तो उस समय से हम लोगों का ये प्रयास रहा कि आप उसमें जो मापदंड है चावल लेने का उसको बदलिए या फिर मिलिंग चार्ज बढ़ाइए तो हम अपग्रेड कर सकें चावल को। तो उस नीति को बनाने के लिए अभी 18 तारीख को छठवें महीने में वो नीति तैयार हुई, अपग्रेड चार्ज जो मिलरों के लिए बढ़ाया गया। तो छठवें महीने जब नीति तैयार हुई तो छठवें महीने से मिलर धीरे धीरे काम चालू कर रहा है। काम चालू करने के बाद हमारे साथ दुर्भाग्यपूर्ण ये हो गया कि यहाँ पे हम मार्केट से अनुबंध करते हैं और धान खरीदी मार्केट के द्वारा की जाती है और चावल नान के द्वारा जमा किया जाता है, लेकिन एक पक्षपातपूर्ण तरीके से नान में हमारा चावल कभी कभी 0.5% 0.1% में फेल कर दिया जाता है। अब फेल कर भी दिया जाए तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। यदि हम पहली बार गोदाम में चावल ले जा रहे हैं और प्रथम दृष्टि में वो चावल मानक स्तर का नहीं पाया जाता तो हम उसको बदलने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, जिला प्रबंधक जी ऐसे क्वालिटी इंस्पेक्टर को रखे हैं जिसको एनालिसिस की परिभाषा नहीं मालूम। अब वो क्वालिटी इंस्पेक्टर मिलरों का चावल, मिलर तो अपना चावल अच्छा देता है, वो पास कर देता है, कागज़ बना देता है, उसके बाद में स्टेक भी लग जाता है चावल का। फिर हमारे जिला प्रबंधक जी जाते हैं, वो स्टेकों का सैंपल 15 दिन बाद लेके आते हैं। लेके आने के बाद में फिर उन स्टेकों को वो अपने जो उनको अधिकार है चेक करने का, उस अधिकार को पालन करते हुए उन स्टेकों को अधिकतर जो मिलरों के स्टेक फेल कर दिए जाते हैं, तो मिलर उसी लाट को फिर बदलने में लग जाता है, तो धान का उठाव सही नहीं हो पा रहा है। जो ओपन खेपों में धान रखी हुई है, भींगी हो रही है, सड़ रही है, इसका एक ही रास्ता है कि जो शासन द्वारा 1 लाख का FDR मिलर से और 9 लाख का सिक्योरिटी चेक, ऐसा मिलाकर टोटल 10 लाख रुपए की प्रतिभूति राशि के रूप में चेक और FDR मिला के दी जाए तो धान जल्दी से जल्दी उठेगी। 1 लाख कोई भी मिलर जमा लेता है, 10 लाख में आपके 10 हज़ार यानी 4,300 कुंटल धान उठती है। तो इसमें बहुत अच्छा प्रयास होगा कि शासन ऐसे जिला प्रबंधक या जिला विपणन अधिकारी ऐसे मिलर चयनित करे जो उनकी नज़र में सही हैं, जिनका हिसाब किताब लेन देन बढ़िया है, ऐसे मिलरों को 1 लाख के FDR पे 1 आरओ की धान प्रदान करे। तो मेरे ख्याल से ओपन गेट की धान हम लोग 45 दिन में खत्म कर देंगे। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।